स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब के कहो बड़े बहू, अब तक तो छोरी के कदम भी ना पड़े थारे घर में और अभी से मंगल कार्य होने शुरू हो गए। बड़े भाग लेके आई हो, चुटकियों में बेटी बेटे दोनों को किनारे से लगा दिया। पर ऐसे में शंकरी का शगुन देना ना बिसरा बैठना। हाँ हाँ, तेरा शगुन दान दक्षिणा जो तू कहेगी सब मिलेगा शंकरी, पर पहले ये रसम तो पूरी कर ले। आओ बहू। बेटा, ये शगुन की अंगूठी वादा है तुम दोनों के लिए एक दूसरे से। अब तुम दोनों जीवन भर के लिए एक दूसरे के प्यार में बंध गए हो। चाहोगे तो भी ये बंधन 7 जन्मों तक नहीं टूटने वाला। संभल के शौर्य, फंसने जा रहे हो, सोच लो। अब तो फंस गया हूँ काका, बहुत देर हो गई है, पहले बताना चाहिए था। अक्षरा, जी तो ये समझ नहीं आ रहा कि तूने इतनी हिम्मत जुटाई कैसे। दिल तो तेरा इतनी जोर जोर से धड़क रहा था। पागल, दिल की सुन के ही तो हाकी है तूने। लेकिन अगर दिल की बात गलत निकली तो कहीं जल्दबाजी में तूने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया ना? और क्या तू उसे पसंद आई है? वैसे तेरा चेहरा इतना बुरा भी नहीं है, नाक बहुत सुतवान नहीं तो पेड़ोल भी तो नहीं है ना, आँखें भी ठीक ठाक ही लग रही हैं, चेहरा थोड़ा सा लंबा जरूर है और गर्दन भी कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही है। तू इतनी भी सुंदर नहीं है अक्षरा। अगर तू उसे पसंद नहीं आई तो क्या होगा? तू भी ना अक्षरा, क्या बेकार की बातें सोच रही है। पर क्या करूं,
वो लोग जवाब देने में इतनी देर जो लगा रहे हैं। वर्षा भी यहाँ नहीं है जो उससे बात कर सकूं। क्या करूं? ये लड़की भी ना इतनी रात का किससे बात कर रही है? कब से इसका नंबर एंगेज्ड आ रहा है? अच्छा वर्षा, तुमने बताया नहीं कि तुम खुश तो हो ना? इसमें खुश होने वाली बात कौन सी है? एक बार शादी हो जाएगी ना तो मुझे भी वही सब करना पड़ेगा जो मासी जी और काकी जी करती हैं। मतलब घर गृहस्थी संभालो, चूल्हा चौका करो, सास ससुर की सेवा करो और पति के आने का इंतजार करो। क्यों, तुम्हें सब करने में कोई एतराज है क्या? शादी के बाद वो बेफिक्री की जिंदगी, वो सहेलियों के साथ घूमना फिरना, वो सब भी तो बंद हो जाएगा ना। और तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगेगा? बहू होना आसान है क्या? अपनी मर्जी से उठ बैठ नहीं सकते, हंस बोल नहीं सकते, और फिर कपड़े भी तो मुझे तुम्हारी माँ से पूछ के पहनना पड़ेगा। तो ये सब पहले बताना चाहिए था ना वर्षा? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगेगा तो मैं... किसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा? तो फिर तुम बस यूं ही। यूं ही? हाँ, बस ये समझ लो, तुम्हें छेड़ना अच्छा लगता है मुझे, और तुम भी इतनी जल्दी चिढ़ जाते हो ना कि... अच्छा जी, अभी तो तुम मुझे छेड़ रही हो, मुझ पे हंस रही हो। एक बार शादी हो जाने दो, फिर बताता हूँ कि छेड़ना किसे कहते हैं। धत! क्या हुआ, शर्मा गई? तू भी कितनी बुद्धू है अक्षरा, वहां खड़े होके दादू और वर्षा की बातें क्यों सुन रही थी? लेकिन ये वर्षा भी ना कब से बेकार की बातें कर रही है दादू से। मैं तब से फोन लगा रही हूँ लेकिन मैं किससे बताऊं, किससे पूछूं? बधाई हो बड़ी बहू, अब तो थारी छोरी ने भी हाँ कर दी, अब तो बस सहनाई बजवाने की तैयारी करो। हाँ ताई, लेकिन वहां से कोई खबर नहीं आई। वो लोग तो कह रहे थे कि जोधपुर पहुंचते ही संदेशा भिजवा देंगे। देखिए ताई, जब तक उनकी तरफ से हाँ ना होना तब तक ये मत बताइएगा कि हमारी तरफ से हाँ है। थारे को चिंता करने की जरूरत ना है बंधु, आज संकरी कोई कल की पैदा हुई ना है, सब समझती हूँ। पर थारे को ये सोचने की जरूरत ही के है कि हाँ आवेगी कि ना। उन लोगों को थोड़ा बखत तो दो, कल ही तो फोन आया था जोधपुर से, मुंशी जी पधार रहे हैं, आज ही मिलने को कह रहे थे। मन तो लागे है थारे लिए कोई संदेशा भिजवाना होगा। सच? अगर ये बात हुई ना शंकरी ताई तो आपके मुंह में घी शक्कर, कहीं आज ही हाँ ना हो जाए। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग फौरन रस्में करवाने को कहेंगे? नहीं नहीं, मैंने कोई तैयारी नहीं की है अभी तक, कपड़े बनवाने हैं, गहने बनवाने हैं। अरे तो क्या हुआ, अगर वो जल्दी चाहते हैं तो हम रस्में जल्दी करवा देंगे। फिर आज तो कुंवर साहब भी आ रहे हैं साड़ियाँ और जेवर लेके अपनी नई बहू के लिए, लगे हाथों अक्षरा के लिए भी पसंद करा लिया जाएगा। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है छोटी, ऐसा करेंगे जब कुंवर साहब आएंगे ना तो अक्षरा को भी अपने पास ही बैठा लेंगे, खुद ही देख लेगी उसे कौन से जेवर पसंद है और कौन से नहीं। अब धनिया, धनिया सर, अब अक्षरा को बुला लाना, कुंवर साहब आने वाले है ना। ये साड़ी देखिए बड़ी बहू, मानो खास दूल्हे की माँ के लिए बनी हो। छोटा हूँ बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन ये साड़ी पहनकर दूल्हे की माँ का रंग खिल उठेगा। कुंदन का काम देखिए किनारी पर। वो तो ठीक है कुंवर साहब, लेकिन आप हमारी बहू के लिए गहने लाए थे कि नहीं? अजी आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ बड़ी बहू, ये देखिए घर की लक्ष्मी के गहने, एक से एक लाजवाब, जो चाहे चुन लीजिए। अरे कितना सुंदर है, क्या दाम है इसका? अजी अब रुपयों का मुंह मत देखिए छोटी बहू, अब कुल की शान तो इसी में ही है कि घर की बहू सिर से पांव तक गहनों में ही लदी रहे।
गृह लक्ष्मी होती हैं घर की बहुएं। अक्षरा ये देखना, आजा। आओ आओ अक्षरा बिटिया, आजा बैठ। ये देख, अच्छा है ना? सोच रहे हो कुंवर साहब बहू के साथ साथ बेटी की शादी के लिए भी गहने जुटा? अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बड़ी बहू। ये देखी देखी कैसा है कुंवर साहब, कुछ कुछ खास दिखाइए ना, ये तो हमारी अक्षरा के सामने फीका पड़ जाएगा। सो तो है, वैसे बिटिया का लगन कब तक करने का इरादा है बड़ी बहू? बहुत जल्द, एक अच्छी जगह बात चल रही है, बस पक्की हो जाए। समझ लीजिए बात पक्की हो गई, इतनी रूपवंती गुणवंती बिटिया को कौन मना कर सकता है भला। ये देखिए ये देखिए, चंदन हार है, खास जयपुर से मंगवाया है, बिटिया के गले में चंद्रमा सा चमकेगा बस। कैसा लगा? अच्छा है ना? पसंद है तुझे? अरे बड़ी बहू, बिटिया के गले से हार उतरवा लूं? बड़ा छोटा आंका आपने कुंवर साह को, रख लीजिए इसे। लेकिन इसके दाम? अजी अब कुंवर साह कहाँ भागा जा रहा है, जब मर्जी में आए दे देना बस। अच्छा तो ऐसा कीजिए, हमें बिल्कुल ऐसा ही एक और हार ला दीजिए। कैसी बात कर रही हैं बड़ी बहू, ये एक ही हार है अपने जैसा, कारीगर ने दूसरा बनाया ही नहीं। फिर तो ये नहीं चलेगा कुंवर साह। क्या हुआ बड़ी बहू, लाख ढूंढने पर भी ऐसा हार नहीं मिलेगा? अभी तो आपने कहा आपको पसंद है। वो तो ठीक है कुंवर साह, लेकिन देखिए अगर माँ अपनी बेटी के लिए ये हार लेगी तो सास अपनी बहू के लिए भी तो बिल्कुल ऐसा ही हार लेगी ना। कोई ये ना कह सके कि बड़ी बहू ने अपनी बेटी और बहू में कोई फर्क समझा। बड़ी बहू, आज तक सिर्फ सुना था कि बड़ी हवेली में रहने वालों के दिल भी बहुत बड़े होते, आज अपनी आंखों से देख ली, अब ये कुंवर साहब ही आपकी जबान का मान रखेगा। ये लीजिए ये बुंदे जोड़ी है, आज बेटी के लिए रख लीजिए, कल बहू के लिए दे जाऊंगा। ठीक है, लगा के देख। शाम को शादी में यही पहनना। देखो अक्षरा दीदी, आप कितनी खूबसूरत लग रही हो। बहुत अच्छा किया आप वक्त पे आ गई, आज तो बारात में आपने खूब नाचना है। बैठिए, ध्यान रखना। गोपी, आरती की थाली तैयार है ना? आप चिंता ना करो सिटानी, मैंने सब तैयारी कर रखी है। और फिर देखिए शौर्य तैयार हुआ कि नहीं। अरे लड़कियों खूब नाचो गाओ। अरे लगता है आपने कुछ खाया ही नहीं। अरे सुनो ना बहन, बाकी सब तो दिख रहे हैं लेकिन दूल्हे की बहन नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? घुड़ चढ़ाई का समय हो गया है, बस तैयार हो रही होगी, आती ही होगी। अरे अक्षरा बहुत प्यारी लग रही हो इस लहंगे में, कहीं इस चांद के टुकड़े को नजर ना लगे। क्यों ना एक काम करें, क्यों आज के दिन इसका भी लगन करवा देते हैं। हाय शर्मा गई बेचारी। माँ ये झुमके कैसे पहनते हैं, मुझसे तो पहने भी। Thank you.
क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, मैं अभी आई। घोड़ी चढ़ने देगी, कुछ नेग वेग नहीं लेगी उससे। बस बस जा रही हूँ गोपी दादी। क्यों शौर्य दादू, क्या नेग देंगे आप अपनी बहन को? हम क्यों कुछ दे रहे हैं? चलो चलो, अब छोड़ो भी अक्षय दीदी, हमें देर हो रही है भाई। हाँ हाँ, तुम्हें हमसे कुछ नहीं मिलने वाला। मत मानना, ये नेग तेरा हक बनता है। हाँ हाँ, और क्या, बहनों का तो पूरा हक होता है, है ना छोटी? आज तो तुम्हारी बहन सस्ते में नहीं छोड़ेगी तुम्हें। क्या मांगती है? अच्छा बाबा, बताओ क्या चाहिए? अब ये तो आप ही बताइए दादू, क्या देंगे? कितना प्यार करते हैं आप अपनी बहन से? हाँ शौर्य, जवाब दीजिए। क्या दूं क्या दूं? अच्छा चलो, तुम भी क्या याद रखो, ये लो रख लो। अरे नहीं, वाह शौर्य, बहन के प्यार को इन कागज के टुकड़ों में तोल रहा है। तो एक मिनट, ठीक है ये ले लो। अरे नहीं, सोने चांदी से नहीं मानने वाली आपकी बहन दादू। तू बोले तो तेरे लिए हीरे मोती ला दूं। कुछ और लो, आज तो फंसा दिया अक्षय जी ने आपको शौर्य भैया, अब जल्दी से इन्हें दे दीजिए क्या चाहिए, वरना आप शौर्य तो गए घटा ही। चुप कर शैतान, जरा सा बच्चा और कितने बड़ी बड़ी बातें बनाने लगा है। मैं तो भर पाई इसे, लड़के बिना बहुत शरारती होते हैं। बच्चे तो होते ही है शरारती, बातें बनाते हैं। इसे देखिए अपनी बेटी को, सबको बना रही है। हमारे दूल्हे मियां को तो कब से धर्म संकट में डाल दिया। अब बता भी दीजिए अक्षरा, क्या चाहिए आपको नेगी, वरना आपका भाई आज घोड़ी नहीं चढ़ पाएगा। अरे वाह, मुंह से बोल दिया तो फिर बात ही क्या रह गई। और हम भी तो देखे भाई कितना समझते है अपनी बहन को, जानता भी है क्या मन भाएगा इसके। समझ गया, शौर्य दादू आप अक्षय दीदी को ऋतिक रोशन की फिल्म दिखाने का प्रॉमिस कीजिए, देखिएगा एक मिनट में मान जाएगी। जाओ जाओ अंशुमान बाबा, किसी ऋतिक विथिक के चक्कर में नहीं आने वाली अक्षय दीदी। ठहर जाओ ठहर जाओ। अच्छा समझ गया तुम्हें क्या चाहिए, जो मैं तुमसे तुम्हारा दूल्हा लाने का वादा करूं तब छोड़ोगी ये लगाम? ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।